हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं सीबीटी 2025 की कंप्लीट रोड मैप के बारे में। जो भी बच्चे इस समय ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या ट्वेल्थ पास आउट हैं या ईयर ड्रॉप आउट है, उन सभी के लिए जो है सीबीटी 2025 का एग्जामिनेशन देना काफी जरूरी है। यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएएलएलबी, बीटेक, बी फार्मा जैसे अलग अलग यूजी कोर्सेस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको देना होगा सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशंस। और यह सीयूटी 2025 के एग्जामिनेशन हेतु कंप्लीट रोड मैप क्या होनी चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग होना चाहिए, जिसके थ्रू आप सीयूटी 2025 को क्रैक करके एक बेहतर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपनी मनचाहा यूजी कोर्स को परस्यू कर सकते हैं और अपनी कैरियर को जो है और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी पर आधारित जो है इस वीडियो में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों से हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में सीयूटी एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू गाइड करके देश के रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया। और इस चैनल पे हम लोग आपको यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, एडमिशन प्रोसेस, काउंसिलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते हैं, आइदर फॉर सीयूटी और आईसीएआर। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की लेटेस्ट अपडेट के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में। मैं मुख्य रूप से बात करूंगा पहले ब्रीफ में सीबीटी 2025 क्या है, उसके कैसे मोड ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, क्या इस पैटर्न है और क्या क्या सिलेबस इसमें पूछी जाती है और किस तरह से एग्जाम्स कितने मार्क्स से कंडक्ट कराए जाते हैं। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू आप एक बेहतर केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपने मनचाहा कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बेसिक सीयूटी क्या है। अगर सीयूटी की बात किया जाए तो यह एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको ऑल इंडिया में स्थित किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने हेतु जो है आपको देना होता है। जो भी यूनिवर्सिटी सीयूटी के थ्रू अपने आप अंदर एडमिशन एक्सेप्ट करती है। इसके एग्जामिनेशन आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पे आधारित रहता है। आपका मोड ऑफ टेस्ट आपकी इसके हाइब्रिड मोड में होती है। कुछ सब्जेक्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहते हैं तो उसके लिए पेन एंड पेपर मोड में कराए जाते हैं, तो जहां पर एप्लीकेंट्स के नंबर कम रहती है वो आपका जो है सीबीटी मोड में कंडक्ट कराई जाती है। उसके अलावा सिलेबस की बात करा जाए तो 3 अलग अलग सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 में आपके 1A और 1B में टोटल आपके 33 लैंग्वेजेज होते हैं। सेक्शन 2 आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है, जहां पे आपको 27 अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो वहीं पर सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट आता है, जहां पे बेसिकली जनरल जीके, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से रिलेटेड जो है सवाल रहते हैं। अब ये 3 सेक्शंस में आपके ऑल टुगेदर अगर देखोगे तो आपका अराउंड अप्रोक्सीमेट 61 सब्जेक्ट्स के लिए जो है एग्जाम्स कंडक्ट होती है। अब ये पूरा एग्जाम हर बच्चे को 61 सब्जेक्ट का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आपके कोर्स स्पेसिफिक जो है आपकी अपनी सब्जेक्ट की चॉइस है और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लान्स करने होंगे, आपको सब्जेक्ट चूज करने होंगे। अगला मीडियम की बात अगर किया जाए तो यह आपका 13 अलग अलग मीडियम्स में जो है ये परीक्षा आपके कंडक्ट कराए जाते हैं और इसका एग्जाम जो है आपके मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो है एग्जाम्स कंडक्ट होती है। और इसका फॉर्म आपका cvtsamarth.ac.in की जो एनटी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आपका इसका फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जो कि नॉर्मली आप देखोगे तो फरवरी से मार्च के महीने में इसके फॉर्म ओपन होते हैं और मई के महीना में जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। अब ये तो बेसिक एक सीयूटी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सीयूटी में सियोर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए क्या आपकी रोडमैप होनी चाहिए, इसको बेसिकली हमने 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, बिफोर द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज की काउंसिलिंग और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान में ना देने की वजह से उनका बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो गलत सब्जेक्ट का चॉइस करने की वजह से कई जगह वो इलिजिबिलिटी से जो है बाहर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी का। तो इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए कंप्लीट रोडमैप डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बिफोर द एग्जामिनेशन अगर आपको है तो आपके पास 2 ही चीज है, कैसे अपने सब्जेक्ट पे कमांड करें और किस यूनिवर्सिटी में जाना है और कहां अप्लाई करना है, इसकी प्लानिंग करें। यही 2 चीज आप बिफोर द एग्जाम्स कर सकते हैं और इन दोनों चीजों को और बेहतर और इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में समझना जरूरी है, सिलेबस आपको पता होना चाहिए, साथ में आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स होनी चाहिए जनरल टेस्ट का, लैंग्वेज का, डोमेन का, जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी है और मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। और इस सभी के अलावा आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एनसीईआरटी के बुक्स होने चाहिए,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुकलेट होना चाहिए, जहां पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग कैसे सवाल पूछे गए हैं अलग अलग ईयर्स में सीयूईटी में, इसका पूरा कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। इन सभी के अलावा आपके पास प्लान्ड स्टडी शेड्यूल एक आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि किसी दिन आप ज्यादा 10 घंटा पढ़ लिया और 10 दिन तक 1 घंटा भी ना पढ़े, तो ये बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस होता है। और रेगुलर रिविजन आपको अपने दिमाग में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि कहां पर आपके ज्यादा नंबर आते हैं और कहां हाई स्कोरिंग एरियाज है आपके सब्जेक्ट में, उस चीज को आइडेंटिफाई करके उन्हें पहले खत्म कर लेना, उनको पहले कवर कर लेना है। अब ये सारा चीज के बाद आपकी एक लगभग एक बेहतर तैयारी हो जाएगी सीवीटी 2025 के लिए। लेकिन एग्जाम्स के दौरान भी 2-3 चीजों पे खास करके आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे एग्जाम्स की तैयारी तो हो जाती है बहुत बेहतर, लेकिन एग्जाम में कुछ सिली मिस्टेक्स के कारण से कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो वो कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे एग्जाम्स के दौरान आपको गेस नहीं करना है। कोई भी सवाल, जो भी आपको कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप किए हैं, जो आपने पढ़े हैं, उसके आधार पे आंसर देना है, रेदर देन की गेस करके अगर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग्स बहुत हो जाते हैं। और मैंने काफी एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं कि बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का देखा है कि सिलेक्शन ना होते हुए, और ये रीजन क्या होता है कि वो नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करके आ जाते, तो इस नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है। और अपने एग्जाम सेंटर के दौरान जब भी आप देखोगे तो आपको पूरी एक जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए रहोगे पहले से, तो आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम के दौरान वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल फैक्टर होता है। ये दो चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आपके लिए जो एग्जाम्स के दौरान स्मूथ होगा और आप बहुत अच्छे से एग्जाम अपना दे पाएंगे, एंड यू विल परफॉर्म वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स। उसके बाद जब आपके रिजल्ट्स आने वाले होंगे या आ जाएगा, तो आंसर की रिलीज होती है, वो सारा प्रोसेस आप फॉलो करोगे। आंसर की में अगर चैलेंज करना है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। जब वंस आपकी स्कोर कार्ड या आपकी रैंक कार्ड जो रिलीज हो जाती है स्कोर कार्ड, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अर्लियर जो आपने यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बनाई थी शुरुआत में ही कि कहां कहां आपको एडमिशन लेना है, उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स को रेगुलरली चेक करना है और हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस को फॉलो करते रहना है, ताकि आपको हम चैनल पे हर तरह के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको संपूर्ण अपडेट देते हैं। जो भी आप प्रीवियस ईयर की भी देख सकते हो, काउंसलिंग पे काफी सारे सेशंस हम लोगों ने कंडक्ट कराए थे स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जब आप यूनिवर्सिटी वाइज जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, उस तरीके से आप अपने रजिस्ट्रेशन करते जाओगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने पास पहले से क्लियर बना के रख लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के समय चाहिए होती है, आपकी एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारा चीज जो आपको अपने पास रख लेना है, ताकि एग्जाम्स के दौरान जो काउंसलिंग की प्रक्रिया के दौरान हसल होने से बचे और हड़बड़ से वहां पर भी आप अवॉइड करिए। ठीक है, इतना चीजें करने के बाद जो है आप लोगों को अपनी एडमिशन सुनिश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी विश्वविद्यालय में मिल जाएगा। और जैसे भी विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलता है, वहां पर जो भी कोर्स मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आगे की रणनीति फॉलो करनी है। लेकिन ये सारा कंप्लीट रोड मैप आपकी पूरी तैयारी का गारंटी लेकर जो है बेसिक शिक्षा लेकर आ चुकी है वरदान बैच, जहां पे आपको संपूर्ण फीचर्स प्रोवाइड होती है, आपको लाइव थ्योरी क्लासेस प्रोवाइड होती है, साथ में पीडीएफ नोट्स उसके दिए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस सीट आपके प्रैक्टिस को इनहेंस करने के लिए हर लेक्चर के बाद प्रोवाइड कराया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुकलेट आपको मिलता है, और सबसे खास बात कि इस बैच में आपको एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट की भी सुविधा है, और एक स्टडी प्लानर भी हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक देते हैं कि किस कैसे आपको कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर में पढ़ना है, और जिसके थ्रू आप ट्रैक करके अपने प्रोग्रेस को और इनहेंस कर सकते हो और बेहतर सिलेक्शन पा सकते हो। इसके अलावा सबसे खास बात है कि ये जो बैच है ये हमारी हिंदी और इंग्लिश सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे आप एनरोल होकर आप अपने सिलेक्शन को गारंटी कर सकते हैं। इसमें जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आपको डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने कैटेगरी सेक्शन से जाके अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव कर सकते हो, और जैसे ही आप इस सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको आगे का जो है आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। इसके अलावा फ्री सीयूईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022-23-24 में कैसे सवाल पूछे गए थे, इसकी पूरी पीवाईक्यू का कलेक्शन आपको ई बुक्स के फॉर्म में बेसिक शिक्षा ऐप पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारे अपने व्हाट्सएप नंबर 8433341026 पर ऑफिशियल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को जो है सेंड कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपकी डाउट्स को सॉल्व करने में मदद करेंगे। इसके अलावा आपके कोई भी डाउट है, क्वेरीज है सीयूईटी से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो उसे कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।